फील्डिंग का फैसला किया है तुरमाले टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है चिंसपाड़ा टीम को, और दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए अर्जुन परदेशी और राकेश भोईर। आज के पूरे दिन में चिंसपाड़ा की तरफ से देखा जाए तो अर्जुन परदेशी ने निराश किया है चिंसपाड़ा के सपोर्टर्स को और उनके समर्थकों को, क्योंकि आज के दिन उनके बल्ले से हमें बिल्कुल रन नहीं देखने को मिले। लेकिन हम चाहेंगे कि अंतिम के मुकाबले में वो कुछ ऐसा कर दे कि चिंसपाड़ा के दर्शक खुश हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें मोहित किया है, हमारे दिल को खुश किया है, वो है तुरमाली की गेंदबाजी की धार। जबरदस्त गेंदबाजी और सफल वाली गेंदबाजी हमें आज के पूरे दिन में देखने को मिली है। खास तौर पर ऋषिकेश नामी गेंदबाज ने हमें इस टूर्नामेंट में इंप्रेस किया है, जिस तरह से विश्वजीत ठाकुर का नाम है रफ्तार के सौदागर, लेकिन यहाँ तेज गेंदबाजी में और एक नाम जुड़ चुका है, ऋषिकेश नामी गेंदबाज तुरमाले के। सत्र शुरू, पहली फुल टॉस गेंद को पैडल किया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, चार रन के लिए और खाता खुल चुका है। और अपने टीम का भी खाता खोले उन्होंने, और जो गेंदबाजी की धार पिछले दो मुकाबले में तुरमाले ने दिखाई है कि जावले और ओडाफोन वाहल जैसी ताकतवर टीमों को उन्होंने इस टूर्नामेंट से बाहर किया है और बिल्कुल अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। पिच गेंद को खेला गया है कवर के क्षेत्र में और ये देखिए जोखिम भरा रन लेना चाहते थे लेकिन रोका गया है वहां पे। छिक गेंद निकलती हुई, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, यानी कि चार रन पर ही रुका हुआ स्कोर। और इस टूर्नामेंट के लिए हमने जो क्वालिफाइड अंपायर बुलाए गए हैं, जिनमें से कल्याणी घोरपड़े का जिक्र किया था चंदू शेट्टे सर ने कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हुआ करते थे नई मुंबई के, वो बतौर अंपायर के तौर पर है। उनके साथ है सूर्यकांत अड़ौ सर, इस टूर्नामेंट को अंपायरिंग करेंगे और ये आखिर के मुकाबले में बिल्कुल अंपायरिंग करते हुए दोनों क्वालिफाइड अंपायर। गेंदबाज प्रवीण भोपी और ये गेंद बिल्कुल अंपायर का नौका इशारा आता हुआ, यानी ये बीमर वाली गेंद है जिस गेंद के ऊपर अंपायर ने नौका इशारा किया है 1+1, यानी कि ये दो रन मुकम्मल होते हुए दो रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 7 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर चढ़ चुका है। 7 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर लग चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और ये आज के दिन का अहम मुकाबला है और दोनों टीमें जानती है कि ये मुकाबला उनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्योंकि यहां से अगर जो टीम जीतेगी वो पहुंचने वाली है सुपर फोर में, यानी कि किसी एक नंबर की वो दावेदार हो जाएगी। लेकिन कहीं यहां से अगर हारती है तो सीधा घर का रास्ता देखेगी। प्रवीण की ये गेंद, ये देखिए फुल टॉस वाली गेंद और अंपायर का ये वाइड का इशारा आता हुआ, यानी स्कोर में बढ़ती होते हुए स्कोर में तब्दीली, स्कोर आ चुका है 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। प्रवीण भोपी गेंदबाजी से यानी कि दिशा से भटकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल जो पिछले मुकाबले में गेंदबाजी हुई थी उस तरह की गेंदबाजी अब तक नहीं हो रही है। लेकिन यहां से जवाब दिया है बल्लेबाज राकेश भोईर ने, आगाज किया है 6 रन के साथ। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दनदनाता हुआ छगा हमें देखने को मिला है राकेश भोईर इस बल्लेबाज के माध्यम से, उम्दा शॉट हमें देखने को मिला था, भरपूर ताकत का इस्तेमाल और प्रवीण भोईर महंगे साबित होते हुए यहां, क्योंकि अब तक 13 रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद को ट्रेवल किया गया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद के पीछे फील्डर ऋषिकेश, लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लग चुका है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत दिलवाते हुए चिंसपाड़ा के दो आरंभिक बल्लेबाज अर्जुन और राकेश, 15 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ, यानी कि प्रवीण भोपी की इस ओवर की यह अंतिम गेंद होगी शायद।
उल्टॉस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, फील्डर वहां पे हाजिर और राकेश भोयर के पारी का यहां अंत होता हुआ। हेलो आखिरी बॉल है, नंबर तीन की पोजीशन पर बल्लेबाज सूरज भोईर और पहले ओवर की ये आखिरी गेंद शेष बची है और राकेश भोईर जैसे बल्लेबाज का यहाँ खात्मा किया है गेंदबाज प्रवीण भोपी ने, जो उनकी अहम गेंदबाजी है जिसके लिए वो चर्चित है। लेकिन रन काफी आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 रन पहली ओवर प्रोग्रेस पे है। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद का सामना करेंगे सूरज भोईर। उल्टॉस गेंद का बिल्कुल यहां पे समाचार लिया है, यानी गेंद को भेजा गया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और ये नो का इशारा, यानी 1+6 कुल मिला के 7 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। विजय मास्टर बिल्कुल अंपायर का इशारा आ चुका है, दो बिमर गेंद, यानी ये गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं करेगा इस मुकाबले में, तो गेंदबाजी नहीं होगी क्योंकि दो बिमर गेंद ये नियम है, टेनिस क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ये गेंदबाज यहां से बाहर होगा। लेकिन ये खतरे की घंटी जरूर बजती हुई तुरमाले टीम के लिए, क्योंकि उनका अहम गेंदबाज इस वक्त यह गेंदबाजी नहीं करेगा, यानी आखिरी गेंद है और रन एक बीमर उसके ऊपर ये नंबर 6 वाला शॉट और इस वजह से रन बढ़ते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आ चुका है 22 रन। आखिर की गेंद होगी और इसके लिए गेंदबाज रिप्लेसमेंट गेंदबाज है उमेश, रिप्लेस गेंदबाज उमेश जो कि आखिर की गेंद डालेंगे बल्लेबाज सूरज भोईर के लिए। चोटी गेंद को देखिए कलाइयों के सहारे मोड़ा है फाइनल के ऊपर से 4 रन के लिए। हेलो डीजे मास्टर आपल्याला थोडं थांबवतोय आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक संजय ठाकूर, तर सन्माननीय धीरज म्हात्रे ओवळे यांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय या स्पर्धेसाठी, आणि आज दिवसभर जबरदस्त समालोचन केलंय ते म्हणजे आपल्या घाटकोपर विभागातील मुंबईतील चंदू शेट्टे सर यांना सन्मानित करायचं आहे, शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन चंदू शेट्टे सरांचा इथं स्वागत सोहळा करायचा। अतिशय जबरदस्त मराठी भाषेवर ज्यांचा ताबा आणि बऱ्याच स्पर्धेमध्ये आपण त्यांचं समालोचन ऐकतो त्यांना इथं सन्मानित केले जात आहे आणि फोटो देखील होत आहे आणि टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून देखील लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये चंदू सर इथे आपल्याला बघायला मिळत आहेत आणि त्यांचा स्वागत सोहळा संपन्न होत आहे। त्यानंतर मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय धीरज म्हात्रे ओवळे यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की टेनिस क्रिकेट .in चे ऑनर जे लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्याला बघायला मिळते ते म्हणजे संतोष नानेकर इथं उपस्थित झालेले आहेत। संतोष नानेकर या सरांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती यायचं आहे। तर शाहरुख भाई शाहरुख शेख यांना विनंती आहे की आपण यायचं इथं आणि आपला देखील इथं स्वागत सोहळा होणार आहे। ठीक आहे नंतर और चलते मैदान के अंदर, बिल्कुल यह मुकाबला काटे भरा मुकाबला जो कि तुरमाले बनाम चिंचपड़ा। गेंदबाज ऋषिकेश यानी कि फुल टॉस गेंद थी लेकिन अंपायर के नजरे से वाइट। ऋषिकेश इस गेंदबाज ने आज के दिन चंदू सर बिल्कुल हमें इंप्रेस किया है, बिल्कुल रफ्तार के साथ कर रहे गेंदबाजी और जावले और वाहल जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इस गेंदबाज ने इस विकेट के ऊपर जकड़ के रखा था वही गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 29 रन। तुरमाले टीम
पहली बार बाबा डोगरी के मैदान पर टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए आई है और पहले आते ही और इस साल 2016 में उन्होंने क्या बढ़िया क्रिकेट दिखाया आज के दिन। ये देखिए बढ़िया गेंद, यह पैडल किया है और वेट एंड वॉच वाला गेम हमें देखने को मिला है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, चार रन। तैतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं और अर्जुन परदेशी जिस बल्लेबाज ने पिछले दो मुकाबले में खराब बल्लेबाजी, लेकिन हर मौके पर यह अच्छे खिलाड़ी की यह अच्छी निशानी दिखाते हुए अर्जुन नामी बल्लेबाज। यह देखे फिर से गेंद को पैडल किया, यानी कलाइयों के सहारे मोड़ा है गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से चार रन के लिए। देशी की यह तारीफ कर रही होगी जिस गेंदबाज ने पिछले दो मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी और अर्जुन ने उसकी गेंदबाजी बाहर से देखी है, यानी कि गेंद के लंबाई को भांप रहे हैं और सिर्फ गेंद को दिशा दे रहे हैं। इसे कहते हैं शातिर और चालाकी भरी बल्लेबाजी जो यहां करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन परदेशी रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन और इस वक्त ये गेंद डाली गई है। अंपायर व्हाइट का इशारा दे चुके हैं, व्हाइट के साथ स्कोर में बढ़ती 38 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुका है, यानी कि चिंसपाड़ा टीम अच्छी मजबूत स्थिति में चलती हुई बिल्कुल यहां से गेंदबाजी की धुलाई होती हुई तुरमाले की, क्योंकि गेंदबाजों को यहां पर रख रहे बल्लेबाज अर्जुन परदेशी। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ट्रेवल किया मिड ऑफ के क्षेत्र में और ये खराब थ्रो, इस वजह से ये दो रन मुकम्मल होते हुए दो रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 40 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई है चिंसपाड़ा के बल्लेबाज राकेश भोईर और अर्जुन परदेशी ने और मैदान के अंदर अभी तक डटे हुए है अर्जुन, जिस तरह से हमने देखा है किस तरह से कौरवों का संहार किया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने, बिल्कुल यहां संहार करते हुए यह अर्जुन परदेशी। बिल्कुल ब्लॉकर लेन गेंद और लेकिन ये खराब फील्डिंग और गेंद लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में चार रन के लिए। पानी की मांग की जा रही है मैदान के अंदर, पानी दीजिए आयोजक, पानी की मांग की जा रही है और मैदान के अंदर पानी भेजिए। और गेंदबाजी का विश्लेषण किया जाए तो जो पहली गेंदबाजी हुई थी प्रवीण भोपी जिसने 26 रन वाला ओवर किया है जिसमें एक विकेट मिली है, उसके बाद जो दूसरे गेंदबाज आए थे ऋषिकेश गरत जिसने 18 रन वाला ओवर किया और उसमें दो विकेट मिले, यानी कि कुल मिलाकर कोई विकेट नहीं है, 18 रन वाला ओवर किया है और कुल मिला के रन जोड़े हैं चिंसपाड़ा ने 44 रन, यानी कि 22 के औसत से चलती हुई चिंसपाड़ा टीम। अर्जुन परदेशी जिस बल्लेबाज ने पिछले दो मुकाबले में असफल बल्लेबाजी नाकामयाब हुए थे, लेकिन यहां एंड मौके पर जिस समय जरूरत थी अर्जुन की बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी की है। नंबर 3 के गेंदबाज हम देख रहे हैं मेघनाथ और उनके सामने सूरज, गेंद को खेला है कारपेट के सहारे, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल और यह डबल, यानी कि दो रन मुकम्मल। बहुत ही अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में दोनों की दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर रन 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। पिछले मुकाबले में भी चिंसपाड़ा टीम ने कुंडेवाल टीम के खिलाफ 80 रन जोड़े थे। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है, थर्ड अंपायर जल्द से जल्द, क्योंकि समय हो चुका है 5:10, सूर्यदेव रुकने वाले नहीं है, ऐसे में हमें यह मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करना है, इस बात को ध्यान में रखना आयोजक। और थर्ड अंपायर की मांग की जा चुकी है बैगनाथ गायकर के ऊपर, जिस गेंदबाज ने पिछले दो मुकाबले में बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन यहां इस मुकाबले में तुरमाले के गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। अर्जुन परदेशी, राकेश और सूरज बिल्कुल यहां बरसे हैं गेंदबाजों के ऊपर।
और पिच गेंद और इस गेंद को प्रॉपर टाइमिंग किया है, यानी कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही आता हुआ 6 रन वाला शॉट। बिल्कुल रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 52 का आंकड़ा लग चुका है, यानी कि आज इस बाबर डोगरी के मैदान पर चेंजपाड़ा ने बहुत ही नहीं बल्कि की उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिली है। हर मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, पहले मुकाबले से मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी है। राकेश सूरज भोईर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की आज के दिन में। ये देखिए स्लोअर वन गेंद, लेकिन ये गेंद अंपायर के नजरिए से वाइट, वाइट का इशारा आता हुआ स्कोर में बढ़ती होती हुई, यानी कि 53 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुका है। तुरमाले टीम, जिस टीम ने पिछले 2 मुकाबले में, कौन सोचेगा कि जिस टीम ने अच्छी गेंदबाजी की थी वही टीम इस वक्त खराब गेंदबाजी करते हुए। और ये देखिए गेंद को ट्रेवल किया है वाइड इश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स सिक्सर। DJ Aman, 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 Aman. उनसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं और चेंजपाड़ा के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रही है। बोल्टॉस गेंद, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद के नीचे यहां फील्डर, और इस वक्त सूरज भोईर के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 4 के पोजीशन पर सतीश पाटिल मैदान के अंदर दाखिल होते हैं और सूरज भोईर का यहाँ बिल्कुल तालियों से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि उस तरह की बल्लेबाजी भी हुई है, क्योंकि 7 गेंदों में 25 रन वाली पारी के लिए उन्होंने अपने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई उन्होंने। ये देखिए और बैक टू बैक दूसरी विकेट मिलने में कामयाबी मिली है गेंदबाज मेघनाथ गाइगर को। डीजे रन स्कोर कार्ड के ऊपर और अर्जुन परदेशी का यह खात्मा होता हुआ मंगेश मेघनाथ गायकर ने किया है और अर्जुन बैक टू द पैवेलियन का रास्ता नापते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विजय भोईर, जिस बल्लेबाज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले मुकाबले में जो हमने देखी थी। विजय भोईर जिसे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी मिली थी पिछले मुकाबले में, 34 रन वाली पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने वाघे कुंडेवाल टीम के खिलाफ। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 59 ऑन हैट्रिक पे है गेंदबाज मेघनाथ गायकर। विजय भोईर गेंद को खेला गया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल के लिए और डबल का यहां पर प्रयास किया जा रहा था, लेकिन रोका है विजय ने। 1 रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज, 1 रन के साथ 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए, यानी कि 15 की औसत से चलती हुई चेंजपाड़ा टीम। पहले सत्र की अंतिम की 6 गेंदे और मेरे अंपायर से भी गुजारिश होगी कि आप ये मुकाबला जल्द से शुरू कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव रुकने का नाम नहीं लेंगे, सूर्यदेव लगभग जाने वाले हैं, ऐसे में आपको ये मुकाबला जल्दी खत्म करना होगा। और सभी खिलाड़ी भी ये चीज ध्यान में रखे कि सभी ये नियम है, इनको फॉलो करना है। आखिर की 6 गेंदे होगी पहले सत्र की और वो गेंदबाज कौन होगा? और 2 ओवर होगी, यानी कि 1 ओवर है, 5 ओवर का मुकाबला है, मुझे लगा ये 4 ओवर का मुकाबला है, यानी कि अंपायर आपको जल्दबाजी करनी होगी
क्योंकि कुल मिला के 10 ओवर का मुकाबला है, ऐसे में 5:15 हो चुके हैं और नंबर 4 के गेंदबाज यानी कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके ऋषिकेश गरत जिसने 18 रन वाला ओवर किया था, लेकिन अब कप्तान ने शायद सोचा होगा कि इस वक्त ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकता है क्योंकि चिंसपाड़ा के आरंभिक बल्लेबाज पैवेलियन में वापस जा चुके हैं, लेकिन उनके सामने पिछले मैच का हीरो विजय भोईर सामने है। ओह ये देखिए, इसे कहते हैं तकनीकी शॉट यानी कि वेट एंड वॉच वाला शॉट। डीजे मास्टर बल्लेबाज विजय भोईर ने और सिर्फ गेंद को दिशा दी और गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए गई थी। रिवर्सिव खेला है शॉट और क्या उम्दा शॉट देखने को मिला, इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट का तजुर्बा। गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कार्ड के ऊपर और इतने तेज गेंदबाज के ऊपर चंदू सर रिवर्सिव खेलना मुश्किल है, ऐसे में ये रिवर्सिव वाला शॉट खेला है, बल्कि खेला नहीं बल्कि 4 रन वाला शॉट खेला है उन्होंने। ओहो इसे कहते हैं शॉट। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर हाजिर, इस गेंद के ऊपर 1 रन आता हुआ यानी 1 रन के साथ 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 69 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्ट्राइक एंड पे आ पहुंचे है बल्लेबाज सतीश पाटिल और गेंदबाज ऋषिकेश, जिस गेंदबाज ने आज के पूरे दिन में अब सभी कमेंटेटर और दर्शकों का जिसने मन मोहा है वही गेंदबाज, लेकिन यहां इस गेंदबाज को सिर्फ दिशा दे रहे हैं। गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 4 रन के लिए। यहां पे नायक नहीं बल्कि खलनायक साबित होते हुए चिंसपाड़ा के बल्लेबाज, क्योंकि रन स्कोर कार्ड के ऊपर 73 रन लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर और ऋषिकेश गरत की गेंदबाजी को सिर्फ यहां पर दिशा दे रहे बल्लेबाज और 4 और 6 रन उन्हें मिल रहे। छोटी गेंद स्टेप आउट किया था आगे आके थे गेंद के ऊपर, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया है 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर यानी कि ऋषिकेश गरत यह अपने स्पेल का दूसरा ओवर भी महंगे साबित होते हुए यानी कि इन्होंने अब तक 14 रन किए हैं 5 ओवर में। आखिरी गेंद होगी और उनके सामने एक स्टाइलिश बल्लेबाज विजय। ये देखिए इसे कहते हैं तकनीकी शॉट, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में 4 रन के लिए। रात्री लाडाच्या पावण्यानी जवा गोधडी भिजवली मुतानी, या मेवनीन माझ्या धुतली बघाती हातानी, या मेवनीन माझ्या धुतली बघाती हातानी। इसलिए कहना है गुस्से में देती है गाली, गुस्से में देती है गाली, फिर भी मुझे अच्छी लगती है साली। अरे क्या मालूम एक दिन अचानक बोली चलो जीजा जी खेलते हैं हम होली। अरे मैंने भी अपनी पिचकारी निकाली, मैंने भी अपनी पिचकारी निकाली, लाल कर दी जी। बिल्कुल जो धुन बजी है ऐसे में जो पिचकारी निकाली है, लेकिन यहाँ इन बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी दिखाई है क्योंकि रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं 78 रन, एक लंबे टारगेट की तरफ पहुंचते हुए क्योंकि 80 रन का रिकॉर्ड है 2 दिन में इस मैदान के अंदर और वो रिकॉर्ड ब्रेक होने की कगार पर है। इस गेंद को खेला है वाडिश लॉन्गन के ऊपर से, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा और ये 6 रन। बाळा साहेब जन्म घ्या पुन्हा, वाट पाहते तुमची सेना, बाळा साहेब जन्म घ्या पुन्हा, वाट पाहते तुमची सेना, जीवाला उनी वेड्या परी भाव सोडून गेला गजना, जीवाला उनी वेड्या परी भाव सोडून गेला गजना। और आखिर के गेंदबाज अंतिम का किरण गायकर
जिस गेंदबाज के पहले ही गेंद का समाचार ले चुके हैं बल्लेबाज सतीश पाटिल, यानी कि चिंसपाड़ा के बल्लेबाज जिस पटरी पे सवार है, यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हुए बल्लेबाज। ये छोटी गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेला है, दैट इज अ क्लियर माइटी हिट, 6 रन। बिल्कुल एक्सलेंट बल्लेबाजी और दिल को बहलाने वाली बल्लेबाजी चिंसपाड़ा के बल्लेबाजों से देखने को मिल रही है। बिल्कुल ब्यूटीफुल बल्लेबाजी सतीश, विजय, अर्जुन और राकेश, इन चारों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में उम्दा बल्लेबाजी की है। और पिच गेंद, और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ का रास्ता दिखाया है बल्लेबाज सतीश पाटिल ने, यानी कि नंबर 6 वाला शॉट खेला गया है। बैक मारती है फरंट मारती है, बैक मारती है फरंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। बिल्कुल यहां से करंट मारते हुए बल्लेबाज सतीश पाटिल, यानी छगों की हैट्रिक लग चुकी है और रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 96 रन, यानी कि आज के दिन 100 का आंकड़ा पार होने के कगार पर है और इस टूर्नामेंट का एक नया रिकॉर्ड लिखा जाएगा आज के दिन इस मैदान के अंदर, जो कि चिंसपाड़ा टीम यहां बना रही है, क्योंकि 96 रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। किरण गायकर की इस गेंद को खेला है काव कॉर्नर के ऊपर, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर तैनात और ये सतीश पाटिल की विकेट मिलती हुई। बिल्कुल 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, जिसका नाम है रोहन परदेशी, लेकिन अंतिम की दो गेंदे 96 रन जड़ चुके हैं, क्या 100 का आंकड़ा पार होगा कि नहीं? और ये डॉट गेंद, यानी कि 100 का आंकड़ा हम कह रहे हैं कि आज के दिन पार होगा कि नहीं। बिल्कुल ये आखिरी गेंदों की अंतिम की पहले सत्र की रन जड़ चुके हैं, 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और विजय भोई रन स्ट्राइक में है। ऐसे में आखिरी गेंद के ऊपर हम देखेंगे चौवा आता है या छा या सिंगल या डबल या विकेट, आखिरी गेंद पहले सत्र की। छोटी गेंद थी, इस गेंद को डीप मिड विकेट का रास्ता दिखाया है बल्लेबाज विजय भोईर ने, यानी कि 100 का आंकड़ा पार किया है, कुल मिला के रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 102 रन। और जोरदार तालियां होनी चाहिए इस इनिंग के लिए, क्योंकि 102 रन की पारी, यानी कि ये रिकॉर्ड यहां पे दर्ज किया जाएगा। हॅलो मास्टर, आपल्याला थोडं थांबवतोय, दत्तप्रेमी देणगीदारांची मना आयोजकांची विनंती आली की पुन्हा एकदा या देणगीदारांची नावा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे महत्वाचं आहे, की ज्यांनी खुल्या हाताने या स्पर्धेसाठी देणगी दिलेली आहे। तर सन्माननीय प्रीतम गोपाल नाईक यांनी तब्बल 2 लाख रुपयाची देणगी या मंडळाला दिलेली आहे। संजय नाईक 55,555, रवींद्र विश्वनाथ पाटील 50,000 रुपये, रवी जोशी बिल्डर्स 50,000 रुपये, सोमनाथ शेठ म्हात्रे 50,000 रुपये, अरुण शेठ धावजी नाईक 50,000 रुपये, सचिन रघुनाथ घरत शेलगर 50,000 रुपये, बालकृष्ण नाईक 5,000 रुपये, वैभव पिलाजी नाईक 5,000 रुपये, रामदास नाईक 2,000 रुपये, सुभाष अंबू नाईक 25,000 रुपये, अलंकार नारायण ठाकूर 5,000 रुपये आणि शिवम डेव्हलपरचे मालक शेखर शेठ श्यामकांत शेठ नाईक यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी, जे आपण मालिकावीरसाठी स्कूटी बघत आहोत जी बाईक, ती त्यांनी या स्पर्धेसाठी दिलेली आहे। त्या सर्व देणगीदारांचा आम्ही आभारी आहोत। और चलते हम दूसरे सत्र में माइक्रोफोन के जरिए मैं बुलाना चाहूंगा चंदू शेट्टी सर को, धन्यवाद। गाण्याचा अर्थ तुला शेवटी सांगणार आहे, कारण का? धन्यवाद धन्यवाद डीजे, धन्यवाद किरण पाटील सर। आणि
चिंचफड़ा संघाचा खेळ लाजाबाबास पाहायला मिळाला। ज्या संघाने बामणडोंगरीच्या मैदानात आज घातलाय धावांचा सडा, ज्या संघाने बामणडोंगरीच्या मैदानात आज घातलाय धावांचा सडा, संघाचं नाव चिंचपाडा, चिंचपाडा आणि चिंचपाडा, अक्षरशः धावांचा पाऊस या ठिकाणी चिंचपाडा संघाच्या मैदानातून पाहायला मिळतोय। काल मात्र चिंचपाडा संघाने वाकडीच्या मैदानात विक्रम केला, 92 धावांचा पाठलाग भैरवनाथ विचुंबी संघाच्या विरुद्ध करत असताना 4 चेंडू राखून मात्र काल सामना जिंकला गेला होता। परंतु आज मात्र पुन्हा एकदा या मैदानावरील विक्रम कुणाच्या नावाने लागतोय, तो मात्र चिंचपाड्याच्या नावाने लागतोय, अर्जुन परदेशीच्या नावाने लागतोय। जाऊयात सामन्याकडे। पहिला चेंडू कवरच्या दिशेने डोलवण्याचा प्रयत्न, अर्जुन परदेशीच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि धावांचा अकाउंट मात्र या ठिकाणी ओपन होतोय। तर लाजवाब खेळी पाहायला मिळाली चिंचपाड्याच्या फलंदाजांची आणि सर्वांची मन मोहित केली, मन जिंकून घेतली चिंचपाड्यांच्या फलंदाजांनी। परंतु रायगड ग्रामीणचा तुम्ही आढावा घेतला तर आतापर्यंत या हंगामामध्ये 5004 कंप्लीट झालेले आहेत। खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू निर्धाव जातोय, तब्बल 4,16,500 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत या हंगामामध्ये। या हंगामामध्ये 89 स्पर्धा झालेल्या आहेत, 31,517 सिक्सर आणि चौकार 22,589 चौकार आणि विकेट 15,757। माझे मित्र सुकापूलचे संदेश शेळके यांनी माझ्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवली आणि तब्बल 34 फिफ्ट्या या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले, संपूर्ण हंगामात पाहायला मिळतात। विकेटचं पतन खेळाडू बाद। डीजे आणखी वेळ घेईल तुमचा। 34 फिफ्ट्या या हंगामात झालेल्या आहेत रायगड ग्रामीणमध्ये। 76 वेळा चौकार हॅट्रिक झालेली आहे, 15 वेळा मेडन ओव्हर टाकले गेलेले आहेत, 82 वेळा सिक्स हॅट्रिक झालेली आहे आणि 73 वेळा विकेट हॅट्रिक झालेली आहे आणि 24 वेळा स्कोर हा 90 पार गेलेला आहे। हे रायगड ग्रामीण क्रिकेटचं यश पाहायला मिळत आहे आणि रायगड ग्रामीण म्हणूनच की काय क्रिकेटची खान रायगड म्हटलं जातं। अर्थातच आखूड टप्प्याचा हा चेंडू भिरकावून दिला जातोय स्क्वेअर लेगच्या माध्यमातून, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार। षटकार धन्यवाद आणि धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते। बिगिट पाहायला मिळतोय, पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केला जातोय तो अक्षय चोरगेच्या बॅट मधून निघालेला एक तडाखेबंद फटका, षटकार। तर काल मात्र वाकडीच्या मैदानावर मोठा धावसंख्या चेस केली या चिंचपाड्या संघाने। पुढचा चेंडू लेगस्टंपच्या दिशेने चेंडू पाहायला मिळतोय, पंच स्वैर चेंडू घोषित करतायत आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये कोणतीही धावसंख्या मोठीही नसते आणि छोटीही नसते, आपण कित्येकदा मोठमोठ्या धावसंख्या चेस होताना पाहिलेल्या आहेत। आज मात्र या ठिकाणी काय होते पाहिजे, मोठी धावसंख्या जरूर आहे परंतु अशक्य अजिबात नाहीये, कारण क्रिकेटमध्ये अशक्य असं काहीही नसतं। तर या ठिकाणी आगमन होत आहे शेखर शामकांत नाईक यांचं आगमन होत आहे, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या माध्यमातून जी बाईक देण्यात येते मॅन ऑफ द सिरीज, त्यांचं आगमन होत आहे। साहेब या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं पुन्हा एकदा या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत। तर मोठा विक्रम झालाय विजयासाठी, 103 धावांचं लक्ष 5 षटकांमध्ये, 30 चेंडूमध्ये 103 धावा करायच्यात। काल मात्र सुरेख फटका मारला जातोय आणि नोमॅन्स लँड क्षेत्रात चेंडू चौकार, 4 धावा। एकोणीस धावा पहिलं षटक संपले, जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जातं, 103 धावांचं लक्ष समोर असताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा।
क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय होईल याचा मात्र नेम नाही। आज मात्र तुरमाळे संघाने सर्वांना प्रभावित केलंय, कारण बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या वहाळ संघाला पराभूत केलं, बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या जावळे संघाला पराभूत केलं। आज मात्र चिंचपाड्याशी गाठ तिसऱ्या मॅचमध्ये पडताना पाहायला मिळेल। विजेता संघ मात्र बक्षीसपात्र होईल। अच्छा, दिवसभरातील हा तिसऱ्या फेरीचा सामना, विशाल केनी यांचा हा चेंडू, बॅटची कडा घेतली जाते, हवे चेंडू जातो, विकेटचं पतन, चिंचपाडा संघाला यश मिळतंय, खेळाडू बाद होतोय या ठिकाणी मात्र राकेश गायकर। तर धावांचा विक्रम पाहायला मिळाला, 103 धावा करायच्या आहेत। काल मात्र वाकडीच्या मैदानामध्ये 127 धावा मात्र नाबाद बनवल्या गेल्या जासई संघाच्या माध्यमातून। परंतु कृष्णा सातपुते एकट्या खेळाडूच्या नावावर टेनिस क्रिकेटमध्ये तब्बल 23 सेंचुऱ्या लगावल्या गेलेल्या आहेत, 157 सर्वोच्च धाव संख्या। आणि काल परवा मात्र उमर खानने कुवेतमध्ये तब्बल 154 धावा देखील वैयक्तिक हायेस्ट टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये केलेल्या आहेत। ओमकार देसाईच्या नावावर 137 धावा, तर कमीत कमी चेंडूमध्ये शतक बनवण्यामध्ये उस्मान पटेलचं नाव घेतलं जातं। तुमच्या नावा संघाचा अर्थातच जवानच्या नावावर विक्रम आहे, समर्थ कडूच्या देखील नावावर विक्रम आहेत, ज्यांनी ज्यांनी सेंचुरीज केलेल्या आहेत त्यांच्यामध्ये। पुढचा चेंडू बॅटची कडा घेतली जाते, पुन्हा एकदा हवे चेंडू जातोय, आणखी एका विकेटचं पतन आणि खेळाडू बाद। तर सर्वाधिक धावसंख्या झाली 102-103 करायच्या आहेत, आणि सर्वाधिक धावसंख्या भारतीय संघाने इंग्लंड विरुद्ध चेन्नई कसोटीमध्ये भारतांचा 84 वर्षाचा विक्रम तोडला गेला, 759 धावा चेन्नई टेस्टमध्ये अंबार धावांचं मात्र एव्हरेस्ट उभं केलं होतं। सर्वाधिक धावसंख्या 84 वर्षानंतर भारताने केली होती, परंतु 952 धावा हा विक्रम टेस्ट क्रिकेटमधील कुणाचा आहे, तर तो श्रीलंका संघाने भारतीय संघाविरुद्ध केलाय। अखुट टप्प्यात हा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने तटवला जातोय, षटकारात रूपांतरित केला जातोय, ऋषिकेश घरच्या बॅटमधून निघाला फटका 6 धावांसाठी। तर विक्रमांकडे मात्र नक्कीच येणार आहोत, वेळ कमी आहे परंतु विक्रम जास्त आहे, तुमच्यापर्यंत जेवढे आणता येईल तेवढे आणि नक्कीच घेऊन येईल। धावसंख्या 25 वर जाऊन पोहोचते। पुढचा चेंडू, ओ लाजवाब फटका या ठिकाणी। आजचा दिवस कोणी गाजवला असेल तर त्या गाजवणाऱ्यांमध्ये या खेळाडूचं देखील नाव येणार आहे, अर्थातच ऋषिकेश घरात मॅन फ्रॉम तुरमाळे षटकार। दुसरा षटकार या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 31 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते। ऋषिकेश घरात षटकार हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर विशाल केणी गोलंदाजीसाठी। ऑप्शनच्या बाहेर पिचिंग केलेला हा चेंडू निर्धाव जातोय, धावबाची शक्यता निर्धाव चेंडूची सांगता होते। 2 षटकं संपतात आणि धावसंख्या झाली होती 31 धावा धावफलकावर। नुकताच मात्र धावांच्या विक्रमाविषयी विचार करायचा झाला तर नुकताच मात्र करुण नायर यांनी मात्र 303 धावा केल्या आणि त्रिशतक भारतासाठी झळकावलं। परंतु करुण नायर हा 30वा फलंदाज आहे ज्याने त्रिशतक झळकावलं आहे जगभरामध्ये। अँडी सँडहॅम या पहिला इंग्रज फलंदाज आहे ज्याने पहिलं त्रिशतक झळकावलं, परंतु 4 खेळाडू असे आहेत ज्यांनी 2 वेळा त्रिशतक झळकवलंय, सर डॉन ब्रॅडमन, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग यांच्या नावावर 2 वेळा त्रिशतक झळकवण्याचा मान आहे, आणि ब्रायन लारा या 4 खेळाडू असे आहेत ज्यांच्या नावावर द्विशतक 2 वेळा झळकवण्याचा मान आहे। आणि टोटल तसा विचार केला तर तब्बल 30 फलंदाजांनी आतापर्यंत टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकवलं गेलेलं आहे। हरेश केनी गोलंदाजी मार्गावर, कल्पक गोलंदाज आणि कवरच्या दिशेने चेंडू टोलावण्याचा प्रयत्न, हवेत चेंडू, विकेटचं पतन आणि खेळाडू बाद। धन्यवाद 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 डीजे डीजे
करुण नायर ने जो विक्रम केला त्याच्या विषयी सांगेल, त्याचा जन्म मात्र 6 डिसेंबर 1991 रोजी राजस्थान जोधपूर मध्ये झाला. बँगलोर संघाचं अर्थातच कर्नाटकचं प्रतिनिधित्व करतो, त्याचं मूळ गाव केरळचं आहे, परंतु विक्रम चेन्नईमध्ये तामिळनाडूमध्ये केलेला आहे. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न, एक धाव मिळेल, धाव संख्या 1 ने पुढे सरसावते, धाव संख्या जाऊन पोहोचते 32 धावांवर. तर मी मात्र आभारी आहे पप्पूचा, मी आभारी आहे आयोजकांचा, ज्यांच्या माध्यमातून आज मला या एवढ्या मोठ्या मानाच्या स्पर्धेचा घटक होण्याची संधी मिळाली. स्वर्गीय गोपाळ सेठ नाईक स्मृतीचषकाचा पुढचा चेंडू सुरेख पद्धतीने पाहायला मिळतोय. हरीश केनी कल्प गोलंदाजी पाहायला मिळते, वेग नाहीये परंतु टप्पा अचूक आहे. खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याचं प्रचंड कसब. ग्लेन मेग्राची आठवण होते, ग्लेन मेग्राकडे काय होतं, वेग नव्हता परंतु टप्पा होता, अचूकता होती. पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळते, हळूवार पद्धतीने पिचिंग केली जाते, चेंडू वळवला जातोय आणि आणखीन एका विकेटचं पतन पाहायला मिळतंय. खेळाडू बाद तर नक्कीच मी संदेश शेळके यांचा देखील आभारी आहे, सुकापूरचे आकडे तज्ञ ज्यांच्या माध्यमातून मला देखील रायगड ग्रामीणची बरीचशी माहिती मिळत असते. तर विकेटचं पतन होत आहे, नवीन फलंदाज विनायक मैदानात जात आहेत. विलास जाधव पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळतंय, सुरेख गोलंदाजी, चांगली पिचिंग पाहायला मिळते, चेंडूचं वेग कमी केलेला आहे आणि पिचिंग मात्र गुडलेन स्पॉटवर पाहायला मिळते आणि त्यात यश मात्र मिळताना दिसतंय. खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला चेंडू वळवत आहेत हरीश केणी, तिसरं षटक मार्गस्थ असताना. आज मात्र धावांचा विक्रम झालाय, 102 धावा या हंगामातील मी समालोचन करत असताना पहिलं असं ठिकाण आहे जिथे धावांचं शतक झालंय. आणि सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते, षटक क्रमांक तिसरा संपतोय, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 32 धावा, धावांची औपचारिकता नक्की शिल्लक असणार आहे. मोठ्या धावसंख्येला सामोरं जात असताना संघ अडकळताना पाहायला मिळतोय तुरमाळे. तर DJ तसेच चंदू कोळी हे देखील वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. तर औपचारिकता सामन्यातील शिल्लक असणार आहे, जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला आज मात्र चिंचपाडा संघाचा. कारण चिंचपाडा गावात क्रिकेटचं एवढं वेड आहे, तब्बल 8 संघ एकाच गावात तयार होताना देखील पाहायला मिळत असतात. धावसंख्या स्थिर असणार आहे ती 4th षटक सुरू असताना, 32 धावांवर धावसंख्या स्थिर आहे, 103 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. बरेचसे विक्रम मात्र चेन्नई टेस्टमध्ये झाले, 4 कसोटी जिंकत मात्र 4-0 मात्र हा विक्रम आहे. 2 वेळा झाला हा केवळ हिंदुस्थानच्या माध्यमातून विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली विक्रम होतोय. दिनेश गायकर KL राहुलचं मात्र हुकलेलं 2 शतक पाहायला मिळालं, 199 धावांवर KL राहुल बाद झाला. आणि इकडे काय होत आहे, लगातार 4th चेंडू निर्धाव टाकला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते, धावसंख्या पोहोचते 33 धावांवर, संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 1 ने पुढे सरसावून. 4th षटक मार्गस्थ असताना
बी गेट पाहायला मिळतोय, झाडाला चेंडू अडकतोय आणि एक धाव मिळेल. एका धावीने संघाची धावसंख्या पुढे जाईल. चार षटक संपताय, चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. आजचा दिवस अतिशय सुंदर पाहायला मिळाला, चांगल्या मॅचेस पाहायला मिळाल्या, तुरमाळी संघाचा खेळ पाहायला मिळाला. आजचा दिवसाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ऋषिकेश घरत पाहायला मिळाला आणि चिंचपाडा संघाची लाजवाब फलंदाजी. आज मात्र आजच्या दिवसाभराचं वैशिष्ट्य पाहायला मिळालं. अर्जुन परदेशी गोलंदाजी मार्गवर, चिंचपाडा संघाचा कणा कारण आणि अर्जुन परदेशी गोलंदाजी मार्गवर येतोय. शेवटचं अंतिम आणि अंतिम या डावातील षटक घेऊन औपचारिक त्या सामन्यातील शिल्लक आहे म्हणावं लागेल. 34 धावा धावफलकावर, 103 धावांचं लक्ष. हा चेंडू हळूवार पद्धतीने टाकला जातोय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. औपचारिकता शिल्लक असणार आहे आणि आजचा दिवस कुणाच्या नावे होतोय काही क्षणाची नक्कीच काही क्षणानंतर आपल्याला ते कळेल. चिंचपाडा आजच्या दिवसातून बक्षीस पात्र फेरीत जाण्यास सज्ज झालेला असेल. पुढचा चेंडू अष्टमच्या बाहेर, पिचिंग निर्धाव चेंडू. तर आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय तो अर्जुन परदेशी. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना अर्थातच आपण पाहतोय. तुरमाळे संघाने प्रभावित जरूर केलं होतं परंतु शेवटच्या सामन्यामध्ये त्यांचं जे मुख्य अस्त्र होतं गोलंदाजी, ते अस्त्रच बोथट करून टाकलं चिंचपाडा संघाने. त्यांच्या गोलंदाजीवर जबरदस्त हल्ले चढवले आणि एक मोठं आव्हान आजच्या दिवसातील या स्पर्धेतील विक्रमी धावसंख्या अर्थातच धावांचं शतक बनवण्याचा मान चिंचपाडा संघाला गेला, अर्जुन परदेशी आणि कंपनी संघाला गेला. दोन चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. आज की शाम किसके नाम, तर काही क्षणांतर आपल्याला कळेल. कुछ समय के बाद पता चलेगा आज की शाम किसके नाम. तर धावसंख्या एकने पुन्हा पुढे सरसावते, 42 धावांवर धावसंख्या जाऊन पोहोचते अर्जुन परदेशी गोलंदाजी मार्गवर. तुरमाळे वर्सेस चिंचपाडा आणि आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आणि विजयी ठरतो या सामन्यामध्ये चिंचपाडा आणि आज की शाम चिंचपाडा के नाम अर्जुन परदेशी आणि कंपनी या संघाच्या नावे ठरतोय आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो सतीश पाटील ठरतोय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी करणारा सतीश पाटील ठरतोय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. कल्याणी सर थोडीशी घाई करायची आहे. शेखरशेठ नाईक यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिलं जाणार आहे ज्यांच्या माध्यमातून या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं या क्रीडा स्पर्धेसाठी आजच्या दिवसातील मॅन ऑफ द मॅच आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना सतीश पाटील. आपण लवकरात लवकर यायचंय आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारायचा आहे. जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी करत या चिंचपाडा संघाचा खेळाडू अर्थातच या बामण